हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल माइंड ट्रेड में। और आज की वीडियो काफी ज्यादा शानदार होने वाली है क्योंकि ये पार्ट कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का दूसरा पार्ट है। ओके, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है और डायरेक्टली यहाँ पे आए हो तो भाई आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो पहला पार्ट जाके देखो, ठीक है। और मैं बताऊंगा आपको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का ये दूसरे पार्ट में, भाई आपको एक एक कैंडल एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप कैंडल को देख के जज कर पाओ कि भाई मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि भाई अगर आप कैंडल को जज नहीं कर पाओगे तो आप प्रॉफिट करने में थोड़ा बहुत यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा एक एक कैंडल को। एंड प्लीज, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आप ट्रेडिंग में नए हो तो प्लीज अकाउंट क्रिएट कर लेना, हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओके। और हमारा कोर्स भी है जो कि ट्रेडिंग डोमिनेशन, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको ट्रेडिंग समझ में आ जाएगी, तो विजिट जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ओके। तो चलते हैं स्क्रीन पे। अब आ गए हैं हम अपनी पीसी की स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि बिल्कुल ध्यान से देखना, आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो मत देखो, आपको आई बटन में ऊपर वीडियो मिल जाएगी, पहले वो देख के आओ, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप काम करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, ओके। सो अभी हम पहली कैंडल से स्टार्ट करते हैं। पहली कैंडल है हमारी बुलिश हरामी कैंडल। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे ये डबल पैटर्न है, मतलब आपको डबल कैंडल के पैटर्न से आपको कन्फर्मेशन मिलेगी, ओके। सो हम बढ़ते हैं आगे। आप जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे है बुलिश हरामी कैंडल, ओके। तो इसको बुलिश हरामी क्यों कहते हैं, मतलब पहले तो इसके नाम को डिफाइन करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ओके। सो बुलिश हरामी मतलब भाई ये अपना हरामी नहीं है, मतलब सॉरी इंडिया वाला हरामी नहीं है जो अपन गालियाँ में यूज़ करते हैं, हरामी तो है रवा हरामी, मतलब सॉरी। तो ये एक जैपनीज नेम है जहाँ पे हरामी को मतलब एक प्रेग्नेंट लेडी से जस्टिफाई किया जाता है, ओके। सो यहाँ पे आप जैसा कि इमेज पे देख सकते हो भाई, जो हमारी रेड कैंडल है, जो बुलिश हमारी रेड कैंडल है, वो हमारी मदर कैंडल भी बोल सकते हैं उसको। एंड जो हमारी ग्रीन कैंडल है उसको हम बेबी कैंडल भी बोल सकते हैं। सो इसका एक और नाम डिफाइन होता है यहाँ पे कि जो हमारी रेड कैंडल है वो है मदर कैंडल, एंड जो हमारी सेकेंड ग्रीन कैंडल है वो है हमारी बेबी कैंडल, ओके। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो बुलिश हरामी कैंडल, सिंपल सी बात है, जब मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारी प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखो, बुलिश पैटर्न कहाँ बनते हैं, हमेशा बॉटम में बनते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना, अगर ये चीज़ भूलोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपकी एक चीज़ और आसान कर देता हूँ कि जब भी मैं आपको बुलिश बता रहा हूँ तो बियरिश उसका अपोजिट होगा, ठीक है। तो आपकी एक ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ ख़त्म हो गई, और आप इससे एक चीज़ याद भी रख सकते हो कि जो हमारे बुलिश हैं वो बॉटम में ही बनते हैं, और जो हमारे बियरिश हैं वो हमारे ऊपर टॉप ऑफ दी लाइन में ही बनते हैं, ओके। सो देखो, जैसे ही आपको बुलिश हरामी कैंडल देखे, इसको जस्टिफाई करने का क्या तरीका है, सो आप यहाँ पे रेड कैंडल देख सकते हो। रेड कैंडल कहाँ से ओपन होती है भाई, ऊपर से ओपन होती है, ठीक है। सो इसने ओपन किया, एंड इसने डाउन मतलब इसने लोअर बनाया अपना, क्लोजिंग किया, एंड उसके बाद आपने देखा एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेट हुई जो कि एक गैप निकाल के ओपन हुई। आप देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ एक गैप निकाल के ओपन हुई, और गैप जब निकालती है कैंडल तो मतलब भाई यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे गैप इसने ग्रीन कैंडल में बनाया, सो यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसने गैप ओपन किया, कौन सी कैंडल पे किया, ग्रीन कैंडल पे किया। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो हमारी बुलिश हरामी कैंडल है उसको हमेशा याद रखना, जो हमारी रेड कैंडल है ना उसके बाद जो ग्रीन कैंडल है ना वो गैप में ही ओपन हो, ठीक है, तभी वो बुलिश हरामी कैंडल कहलाएगी, ओके, तभी आपको कन्फर्मेशन मिलेगी। और जैसे ही ये कैंडल ओपन होगी सो आप यहाँ पे ऊपर के लिए जा सकते हो। ऊपर के लिए मतलब कहाँ पे, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए हैं भाई, यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो बिल्कुल धमाके तरीके से, ठीक है। सो ये है हमारी बुलिश हरामी कैंडल। अब समझ गए ना, ये दो कैंडल के फॉर्मेशन है, तो बिल्कुल ध्यान रखना, और मैं कि ध्यान से देखो, समझ के देखो, पेन कॉपी पे लिख के रखो, ठीक है, वो जरूरी है हमें यहाँ पे, ठीक है। सो ऐसे ही हमारी बियरिश हरामी कैंडल है, ठीक है। बियरिश हरामी कैंडल का क्या मतलब होता है, सिंपल सी बात है, ये बनेगी हमारे कहाँ पे, ऊपर, ऊपर बनेगी ना, आपको मैंने बताया था बियरिश हमेशा कहाँ बनते हैं, ऊपर बनते हैं, ठीक है। जब बियरिश हरामी कैंडल बनेगी सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे बहुत सारे, ठीक है, उसने बायर्स एक्टिव थे तो क्या है,
बायर से एक्टिव थे तो भाई देखो ऊपर इसकी क्या है भाई, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं बता दूँ फिर से कि बियरिश हरामी कैंडल है। तो देखो जो ग्रीन कैंडल है उसने क्या है ओपन हुई नीचे से और उसने क्लोजिंग की ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर और उसको जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ गैप अप ओपन करके एक रेड कैंडल बना। आप देख सकते हो सीधा सीधा इसने गैप अप ओपन किया और एक रेड कैंडल बना, और रेड कैंडल जब बना तो आप प्रीवियस कैंडल से उसको जज कर सकते हो भाई क्या है यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए, और सेलर्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक्टिव हुए, और आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन मिल गई कि आपको यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड ले लेनी है और आप डाउन के लिए जा सकते हो पूरी तरीके से। ओके मतलब यहाँ से आपको कन्फर्मेशन मिल गई कि भाई आपका मार्केट यहाँ से कम 5 से 6 मिनट तक डाउन रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और यहाँ पे 2 कैंडल से फॉर्मेशन होती है, सो यहाँ पे कन्फर्मेशन भी बहुत ही ज़्यादा टाइट होती है। ओके सो अभी हम इसको समझेंगे चार्ट पे, और आई होप आपको वीडियो समझ में आती होगी अच्छी तरीके से, मैं इतनी मेहनत से बना रहा हूँ, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो अभी के अभी कर दो। ओके सो अभी हम चलते हैं चार्ट पे, ओके जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, बुलिश हरामी कैंडल एंड बियरिश हरामी कैंडल। ओके सो अभी हम चलते हैं चार्ट पे। सो देखो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू बिल्कुल डाउन जा रहा था, आप देख सकते हो बिल्कुल कंटिन्यू डाउन जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ हमारी बनी बुलिश हरामी कैंडल। ओके सो जैसा कि आप देख सकते हो देखो हमारी जो रेड कैंडल है आप देख सकते हो बिल्कुल उसको हम मदर कैंडल भी बोल सकते हैं, एंड जो हमारी ग्रीन कैंडल है वो गैप अप ओपन करके, मतलब देखो उसने ना नीचे से गैप लिया ना ऊपर से लिया, वो डायरेक्टली ओपन हुई और वो बेबी कैंडल जिसे हम हरामी बोल सकते हैं, ठीक है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू अप जाने लगा, ठीक है, पूरा अप जा रहा है। आप उसके ऊपर देख सकते हो एक रेड कैंडल बना, लेकिन वो भी भाई अपवर्ड ही बनी है, ना कि उसकी क्लोजिंग वो हमारी बेबी कैंडल से नीचे हुई है, ठीक है। तो ये है भाई स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन, और ये डबल कन्फर्मेशन जब आप डबल पैटर्न से निकालते हो ना डबल कैंडल से, तो आपकी ट्रेड मतलब भाई विन होनी ही होनी है भाई। मैं खुद बता देता हूँ कि इसके अलावा मार्केट में कुछ भी नहीं है, आप सोच रहे होगे कि बहुत कुछ होगा, लेकिन ना यही सब कुछ है। अगर आप इसको समझ लेते हो 75% आप ट्रेडिंग सीख चुके हो। और मैं एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे कि देखो जो हमारी बुलिश हरामी कैंडल है वो एज इट इज बियरिश हरामी कैंडल भी सेम ही होती है, ठीक है, बस क्या होगा वो ऊपर टॉप पे बनेगी, इसलिए मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा। अगर मैं वो भी आपको बताऊँगा ना तो आपको वो भी मतलब फिर आपको दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैं खुद बता रहा हूँ अपोजिट। ओके अपोजिट याद रखना। और यहाँ पे एक चीज़ और, हमेशा जो हमारी देखो इस कैंडल को एक चीज़ बता देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ बिल्कुल ध्यान से समझना, जो हमारी मदर कैंडल है ना और जो हमारी बेबी कैंडल है वो मदर कैंडल के अंदर ही होना चाहिए, अगर ऊपर नीचे ज़्यादा हुई ना तो वो हमारी भाई नहीं है भाई बुलिश हरामी कैंडल। ओके ये चीज़ याद रखना अच्छी तरीके से। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट कैंडल की तरफ, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। सो नेक्स्ट कैंडल एंड नेक्स्ट पैटर्न है हमारा बुलिश एंगल्फिंग एंड बियरिश एंगल्फिंग। ओके सो यहाँ पे मैं पहले बता दूं कि एंगल्फिंग होता क्या है। देखो एंगल्फिंग का मतलब होता है भाई किसी चीज़ को निगल जाना। ओके एक एग्जांपल के तौर पे लिया जाए तो जैसे कि मैं हूँ किसी छोटी चीज़ को निगल जाना, तो मैं उस चीज़ को निगल गया पूरी तरीके से, ठीक है, तो मतलब उस वो चीज़ मेरे अंदर आ गई, समझना, ये आगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये एग्जांपल, ठीक है, वो चीज़ आप मतलब वो चीज़ मेरे अंदर आ गई, ठीक है, मतलब मैं उसको निगल गया। ओके सो इसी चीज़ को जज करके आप नेक्स्ट कैंडल जज कर पाओगे। ओके सो बुलिश एंगल्फिंग का मतलब पहले तो ये चीज़ कि जब चीज़ बुलिश है तो कहाँ बनेगा, राइट बॉटम दी लाइन, मतलब बॉटम चार्ट के बॉटम पे बनेगा, बुलिश पैटर्न हमारे सारे बॉटम में ही बनेंगे। ओके और बियरिश कहाँ बनेंगे, ऊपर बनेंगे। ओके सो बुलिश कैंडल आप जैसा कि देख सकते हो जो हमारी रेड कैंडल है ना, आप देख रहे हो रेड कैंडल है और उसके बाद है ग्रीन कैंडल। ओके सो ग्रीन कैंडल आप देख सकते हो वो बहुत ही बड़ी है, और जो हमारी रेड कैंडल है वो उसके बॉडी के मतलब जो हमारे वॉल्यूम है कैंडल का वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के अंदर ही अंदर है। देखो ये ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब वो कैंडल जो हमारी रेड कैंडल बनी है प्रीवियस, वो कैंडल उस बॉडी के ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन उसके बाहर नहीं, अगर वो बाहर होगी तो वो उसे थोड़ी ना निगला हुआ है। सो हमारे यहाँ पे क्या बात है जी, ग्रीन कैंडल है ना जो वो हमारी रेड कैंडल को निगल चुकी है पूरी तरीके से, इसलिए इसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। एंड इस कन्फर्मेशन से भाई आप पूरी तरीके से आप अपवर्ड के लिए जा सकते हो। ओके आप पूरी तरीके से अपवर्ड के लिए जा सकते हो। मैं पहले बता दूं कि दो
कैंडल के पैटर्न हैं ये, तो यहाँ पे आपकी कन्फर्मेशन 101% सही होगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना अच्छे से। ठीक है, सो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हो, मैं फिर से बता दूँ कि देखो जो हमारी ग्रीन कैंडल है, जो हमारी ग्रीन कैंडल है वो हमारी रेड कैंडल को पूरी तरीके से निकल गई है। और मैं फिर बता दूँ कि ये आगे पीछे हैं, ये चीज़ याद रखना, ये नहीं कि ये आगे है और वो पीछे है, ये पीछे वाले को आगे वाली कैंडल से पीछे वाली कैंडल को जज करना होता है, तभी आपकी अगली कैंडल आपको पता चलेगा कि वो अप जा रहा है। समझ रहे हो ना, अच्छी तरीके से समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करो और देखो अच्छी तरीके से। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो भाई कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। ओके, सो ऐसे ही एज इट इज़ क्या होगा, हमारा बियरिश कैंडल होगा। ठीक है, बियरिश कैंडल कहाँ से होगा? बियरिश एंगल्फिंग कैंडल हमारा कहाँ बनेगा? ऊपर बनेगा ना, चार्ट के ऊपर बनेगा। फिर से बता रहा हूँ, ऊपर बनेगा, ये चीज़ याद रखना, आपकी ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल कि हमारे बुलिश और बियरिश कैंडल बनते कहाँ हैं। ठीक है, सो बियरिश एंगल्फिंग हमारा कहाँ बनेगा? ऊपर बनेगा। एंड ये भी इसी तरीके से होगा, क्यों? जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा मार्केट क्या है, अपवर्ड चल रहा था, आप देख रहे हो बिल्कुल अपवर्ड चल रहा था, लेकिन जब हमारी जो ग्रीन कैंडल है उसकी बॉडी बिल्कुल छोटी बनी। ठीक है, उसकी नेक्स्ट कैंडल क्या, रेड कैंडल बनी, और वो रेड कैंडल क्या बनी हमारी, एंगल्फिंग। एंगल्फिंग मतलब वो रेड कैंडल, बिग रेड कैंडल बनी, लेकिन जो हमारा ग्रीन कैंडल है वो उसके अंदर ही है। सो यहाँ पे ये कन्फर्मेशन दे देता है कि आप डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हो, पूरी तरीके से कर सकते हो। ओके, और आप मतलब 5-10 मिनट के लिए आप डाउन में ट्रेड करो आराम से। ठीक है, तो समझ गए बुलिश एंगल्फिंग एंड बियरिश एंगल्फिंग। ठीक है, तो अब इसको हम चार्ट में देखते हैं, चार्ट में आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। एंड ये जो हम बता रहे हैं ना आपको, ये रोजाना मार्केट में होते हैं, रोजाना मतलब आप देखोगे ना चार्ट अच्छी तरीके से रीड करोगे ना तो आपको कि हाँ भाई ये बुलिश एंगल्फिंग है एंड ये बियरिश एंगल्फिंग है, ये हमारी बुलिश हरामी है और ये हमारी ये है वो है। ठीक है, सो अभी हम चलते हैं चार्ट पे, आपको चार्ट में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो हम आ गए हैं अब चार्ट पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो जैसे कि आप देख रहे हो, वो हमारा जो रेड कैंडल है वो रेड कैंडल बना, उसके बाद तुरंत एक ग्रीन कैंडल बना। ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो उसकी फॉर्मेशन, वॉल्यूम उसका देख रहे हो, बना तो बड़ा तो बना, लेकिन जो हमारा प्रीवियस रेड कैंडल है वो उसके अंदर ही है। आपने देखा ना, उसके बाहर गया ना, इसके ऊपर गया ना, उसके नीचे गया। ठीक है, उस बॉडी की बेस के अंदर ही है, इसे बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, और उसके बाद मार्केट क्या है, अपवर्ड चला गया, आप देख सकते हो, उसके बाद ग्रीन कैंडल एंड ग्रीन कैंडल। ठीक है, सो आप यहाँ पर 10-15 मिनट आप ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, और मैं रोज़ाना ये चीज़ें यूज़ करता हूँ, क्योंकि अगर आपकी कैंडल साइकोलॉजी सही रहेगी, कैंडल स्टिक पैटर्न सही रहेंगे, सो आप 75% सब कुछ सीख चुके हो। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छी तरीके से। ठीक है, एज इट इज़ बिल्कुल सेम यही बियरिश भी होगा। याद रखना, बियरिश कहाँ बनेगा? ऊपर बनेगा। क्लोजिंग आपको पता है रेड कैंडल की, ऊपर से होती है या नीचे से होती है, ये आपको पता होना चाहिए पहले से ही। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो पहली वीडियो जाके देखो, ऊपर रेड आई बटन में आपको मिल जाएगी। ओके, सो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो दिस इज अ बियरिश एंगल्फिंग, एंड यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि देखो बियरिश एंगल्फिंग कहाँ बनेगा, राइट ऊपर ही बनेगा भाई, ऊपर। ठीक है, बॉटम में नहीं, ऊपर, टॉप ऑफ द लाइन में। ओके, बियरिश हमारे ऊपर ही बनते हैं। सो जैसा कि देखो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, जो हमारा मार्केट क्या है, ऊपर जा रहा था, समझना है यहाँ पे पूरी तरीके से, मार्केट ऊपर जा रहा था, ग्रीन कैंडल हमारा बन रहा था। ठीक है, मान लो ये 5 मिनट का कैंडल है, ठीक है, आपके क्वाइटेक्स के चार्ट में। ओके, आप ट्रेड कर रहे हो मान लो पूरी तरीके से, ठीक है, और उसके बाद आपका बना एक रेड कैंडल। रेड कैंडल किस तरीके से बना? वो इस तरीके से बना कि जो हमारा प्रीवियस कैंडल को आप जज करोगे ना एंगल्फिंग में, जो आपका रेड कैंडल है वो आपकी प्रीवियस कैंडल को खा लेगा। खा लेगा कैसे खाएगा? उसके अंदर बाहर ही तो नहीं होगा ना, अंदर ही होगा पूरी तरीके से। तो देखो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के वॉल्यूम के बिल्कुल अंदर ही है। ठीक है, ऊपर नीचे चल सकता है लेकिन उसके बाहर नहीं, अगर बाहर होगा तो वो कहाँ से उसको निकलेगा। ठीक है, सो उसके बाद क्या है, मार्केट तेज़ी से डाउन के लिए चला गया। समझ गए ना, दिस इज अ बियरिश एंगल्फिंग।
आप इससे अच्छे तरीके से और कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, पेन कॉपी में नोट करके रखो तो और अच्छे से समझ में आएगा, और भी समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिपीट देखो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कैंडल की तरफ। सो नेक्स्ट कैंडल है हमारी बुलिश किकर पैटर्न एंड बियरिश किकर पैटर्न, और जैसा इसका नाम है ना वैसे ही इसका काम भी है, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये कन्फर्मेशन ऐसी कन्फर्मेशन है कि भाई आप मतलब 1 लाख 2 लाख 3 लाख की भी ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि मैंने खुद ली है। ठीक है, सो जैसा कि मैं आपको बता दूं, देखो बुलिश किकर पैटर्न, पहली बात तो यहाँ पे बुलिश लग गया, सो बुलिश कहाँ बनते हैं, नीचे बनते हैं, और जब आप इस कैंडल को जज करते हो तो ये भाई इस तरीके से होती है, ये मारुवुजू की तरह होती है, मतलब इसका वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, पूरी कैंडल वॉल्यूम से भरी होती है, ऊपर शेडो हो सकती है, मतलब वीक हो सकती है छोटी मोटी, तो वो चलेगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो जैसा कि आप देख रहे हो बुलिश किकर पैटर्न, मतलब किक का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, किक का मतलब सीधी बात है, आप कोई बॉल में किक मारते हो ना तो वो ऊपर जाती है ना, तो इसी तरीके से ये आपको सिग्निफाई करती है कि मार्केट अप जाने वाला है और अप ही जाता चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। ठीक है, और देखो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन और अच्छी तरीके से हो सकता है अगर ये प्योर मारुवुजू कैंडल हो जाए, मतलब बिल्कुल ऊपर वीक ही ना हो और नीचे मतलब शेडो वगैरह बिल्कुल भी ना हो, और इस पैटर्न बेस पे कैंडल खुलता है तो मतलब आपके पूरे पूरे चांसेस हैं भाई, आप ट्रेड करो खुल के। ओके, सो ये है हमारे बुलिश किकर पैटर्न। ओके, सो सेम एज इट इज़ भाई, सेम बियरिश है। ओके, वहाँ पे क्या होगा, आपकी ग्रीन कैंडल बनेगी, मतलब वहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, और आपकी अगर बुलिश कैंडल वहाँ पे शो हो जाए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो बुलिश कैंडल जैसे ही आपकी यहाँ पे शो होगी, आपकी भाई अगली कैंडल जो हमारा रेड कैंडल है वो उसके थोड़ा गैप अप नीचे होना चाहिए, और गैप देखो गैप डाउन खुल रहा है उसका तो बेटर है, मतलब फिर तो आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अगर वो थोड़ा सा ऊपर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो आपका बियरिश किकर पैटर्न ही कहलाएगा। ओके, सो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा इसके फॉर्मेशन चार्ट में, डेली चार्ट में आपको दिखाई देंगे, और कोटेक्स के चार्ट में तो बिल्कुल दिखाई देंगे आपको। ओके, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझो पूरी तरीके से, मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, जो हमारा बुलिश और हमारा बियरिश किकर पैटर्न है। ठीक है, सिंपल क्या है भाई, किक से इस चीज़ को याद रखो, जो हमारी प्रीवियस कैंडल है वो इतनी ज़ोर से उसको किक मारती है कि भाई वो उसके जो ओपन है वो उसके क्लोजिंग पे खुलता है, मतलब क्लोजिंग के ऊपर खुल जाए तो वो और अच्छी बात है, और क्लोजिंग से थोड़ा नीचे भी है तब भी वो हमारा क्या होगा, बियरिश किकर पैटर्न होगा। ठीक है, समझ गए ना, अच्छी तरीके से समझ गए, अब चलते हैं हम चार्ट पे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ओके, सो गाइस अभी आ गए हैं हम अब चार्ट पे, और चार्ट पे आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हो जो हमारी बुलिश कैंडल है वो क्या है, टॉप की लाइन पे बनी हुई है, लेकिन ना ना ना, हमेशा बुलिश हमारे बॉटम पे ही बनेंगे, सो वो चार्ट के हिसाब से वहाँ का बॉटम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमारी क्या है भाई, रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी बुलिश किकर में, कि भाई जब भी हमारी बुलिश किकर कैंडल ओपन होगी तो भाई वो उसका नेक्स्ट कैंडल क्या है, उसके शेडो से नीचे होगा, या फिर गैप डाउन ओपन होगा, या फिर गैप अप ओपन होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जब गैप अप ओपन हुआ तो मतलब आपकी 101% चांसेस है कि मार्केट नीचे ही जाएगा, मतलब आपको कन्फर्मेशन आपको रुक के लेनी है, आपको नेक्स्ट कैंडल पर करना है तो आप थोड़ा रुकोगे, लेकिन हाँ यहाँ पे अगर आपका गैप अप ओपन हुआ है तो आप उसी कैंडल पे आप ट्रेड कर सकते हो पूरी तरीके से। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो जो हमारी बुलिश कैंडल है उसके बाद एक गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद भाई देखो तुरंत एक रेड कैंडल बना, जो कि भाई पूरी तरीके से एक मारुवुजू कैंडल है, जो कि हमारी कन्फर्मेशन को चांद चांद लगा देती है। अब उस कैंडल पे अगर आप वेट कर सकते हो पूरी तरीके से, और उसके नेक्स्ट कैंडल पे आपको कन्फर्मेशन मिल ही जाएगी कि आपको डाउन ट्रेड करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अ बुलिश बियरिश पैटर्न। ओके, आया समझ में, नहीं आया समझ में, आ गया होगा मुझे पता है, इतनी ईजी तरीके से और कोई नहीं समझा सकता। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट चार्ट पे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। सो दैट इज अ किकर पैटर्न। ओके, सो यहाँ चार्ट में आप देख रहे हो ना भाई, एज इट इज सेम ही है सब कुछ।
ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा रेड कैंडल जो बना है भाई, वो कैसा बना है भाई, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मारुबुज़ू कैंडल, ओके बिल्कुल बना है ना। थोड़ी सी वीक चलेगी, बिल्कुल चलेगी, मैंने जैसा कि बोला ज़रूरी नहीं है कि भाई वीक ना हो, वीक हो सकती है, लेकिन अगर ना हो तो उसमें आपके 101% चांसेस हो जाते हैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आपके वॉल्यूम पे, है ना। सो जैसे ही उसने देखो भाई कैंडल ओपन हुआ ग्रीन कैंडल, उसके बाद क्या है, एक गैप अप ओपन हुआ। अब जो हमारी नेक्स्ट कैंडल बनी है ग्रीन कैंडल, आप उस कैंडल पे ट्रेड कर सकते थे, लेकिन मैंने पहले बोला है कि भाई ये दो कैंडल मतलब डबल चार्ट पैटर्न है, तो आपको अगली कैंडल पे थोड़ा वेट करना होगा, उसकी अगली कैंडल पे आप ट्रेड करोगे तो भाई आपके लिए बेटर होगा बहुत अच्छे तरीके से, ओके। सो जिसने सिंगल पैटर्न नहीं देखा है भाई, तो ऊपर जाके लिंक है भाई, पहुँच जाओ उधर देखो, तब ये वीडियो देखो तो अच्छे से समझ में आएगी, ओके। सो यहाँ पर आप तुरंत ट्रेड ले सकते थे ऊपर के लिए, अपवर्ड के लिए, देख रहे हो ना, तो दिस इज अ बुलिश किकर पैटर्न, ओके। सो डबल कैंडल पे जब आप जज करते हो ना, तो उसके अगला वाला कैंडल आप देख लो अच्छी तरीके से क्या बन रहा है। अगर आपने सिंगल पैटर्न देखा हुआ है तो आप उस कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर आप डबल पे कर रहे हो सो आपको 101% कन्फर्मेशन चाहिए, सो आपको डबल कैंडल का फॉर्मेशन पूरा बनने तक इंतज़ार करना है, फिर उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, गैप अप ओपन किया, एक बुलिश कैंडल हमारी बनी और उसके बाद हमारा मार्केट अपवर्ड भागने लगा, ओके आ गया समझ में अच्छे तरीके से। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। और प्लीज़ अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, वहाँ पे मैं रोज़ क्विज डालता हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ याद रहे, आपकी रिवाइज होती रहे, और आपको सिग्नल्स भी हम वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं जो कि हमारे शॉर्ट शॉर्ट होते हैं, ओके। सो जल्दी से हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाओ और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी ताकि आप डायरेक्टली पहुंच जाओ वहां पे, ओके। सो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कैंडल की तरफ। सो दिस इज अ नेक्स्ट पैटर्न हमारा पियर्सिंग लाइन। नाम कितने अच्छे हैं प्यारे प्यारे, देखो ये सारे नाम भाई जैपनीज कैंडल्स के नाम हैं, मतलब जैपनीज लोगों ने रखे हुए हैं, तो इनको ध्यान रखना अच्छी तरीके से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका मतलब पूरा बेस पूरी नींव इसी पे टिकी हुई है। सो दिस इज अ पियर्सिंग लाइन, और पियर्सिंग लाइन में आपको क्या जज करना पड़ता है, देखो अगर आपकी जो हमारी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी रेड कैंडल है वो क्या है भाई, उसकी ओपनिंग कहाँ से होती है पहले तो ये बताओ। बिल्कुल भाई ओपन इसका कहाँ से होता है, ऊपर से, और इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है, नीचे से। लेकिन जो हमारी नेक्स्ट कैंडल बनी जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो वो क्या है, वो नीचे डाउन के लिए बनी, तो ये तो अच्छी बात है ना, आपका ट्रेंड मतलब डाउन के लिए चल रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि वो उसके जो क्लोजिंग है जो हमारी रेड कैंडल की उसकी बिल्कुल नीचे बनी, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन 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 गाइस यहाँ पे ऐसा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आप यहाँ पे डाउन में पैसा लगाते थे, क्योंकि आप तो यही बोलोगे कि ट्रेंड कंटिन्यू है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यू है तो भाई हम डाउन के लिए ट्रेड लेंगे। लेकिन ना 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 ना, आप यहाँ पे जैसा कि देख रहे हो जो हमारी ग्रीन कैंडल बनी है ना, वो ग्रीन कैंडल कब बनी, देखो जब उसने जो आप लाइन देख रहे हो ना वो प्रीवियस कैंडल के 50% ऊपर जाके क्लोज हुई, आप देख रहे हो ऊपर जाके क्लोज हुई, और ऊपर जाके क्लोज हुई उस प्रीवियस कैंडल के बॉडी पे, तो मतलब भाई यहाँ पे बायर्स ने भाई कंट्रोल बना लिया है और यहाँ पे मार्केट क्या है, अप बढ़ जाने वाला है। यही चीज़ है भाई मार्केट में, यहीं तो आप पैसा खो देते हो, अगर आपको परफेक्ट नॉलेज होती तो भाई आप पैसा कहाँ लगाओगे, ऊपर ना कि नीचे लगाओगे, समझ गए ना, नहीं समझे बच्चों, अभी और कंटिन्यू मैं बताऊंगा तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो मैं फिर से कंफर्म करता हूँ, जो हमारी प्रीवियस कैंडल है रेड कैंडल वो ओपन ओपन कहाँ से होती है, ऊपर से ओपन ओपन हुई और उसका क्लोजिंग नीचे हुई। लेकिन जो हमारी नेक्स्ट कैंडल है वो क्या है, हमारी प्रीवियस कैंडल के डाउन में मतलब नीचे ही ओपन हुआ उसका, हुआ ना, तो आप क्या सोचोगे भाई नीचे ट्रेंड डाउन में ही ओपन हुआ है, ठीक है, तो मार्केट क्या है, पैसा हम नीचे ही लगाएंगे। ना 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 ना, आप देख रहे हो जो हमारी प्रीवियस कैंडल है और नेक्स्ट कैंडल है, वो नेक्स्ट कैंडल उस बॉडी के 50% ऊपर ओपन हुई है, ठीक है, 50% ऊपर ओपन हुई है, तो मतलब भाई मार्केट का ट्रेंड ऊपर जाने वाला है, यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग हो चुके हैं, ओके। सो यहाँ पे आप पैसा
ऊपर लगाओगे, समझ गए ना। अब जल्दी से मैं आपको इसे चार्ट पे समझाता हूँ, ठीक है। सो यू कैन सी दैट यहाँ पे आप जैसा कि चार्ट देख रहे हो, क्या है, मैंने जैसा बोला कि जो हमारी कैंडल है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो रेड कैंडल है वो क्या है, उसकी क्लोजिंग कहाँ हुई, नीचे हुई, क्लोजिंग नीचे हुई, तो कहाँ क्लोजिंग हुई। और जो हमारी नेक्स्ट कैंडल बनी वो कहाँ, उसकी 50% ऊपर है, आप देख सकते हो 50% ऊपर है वो, है ना। तो 50% जब ऊपर है तो क्या है, मार्केट क्या है, अप जाने वाला है। क्योंकि आप तो ये सोचोगे ना कि रेड कैंडल के नीचे कैंडल बनी हुई है सो मार्केट डाउन जाएगा, ना ना बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि उसके पिछली वाली कैंडल के 50% वो ऊपर ओपन हुआ है, समझ गए ना, समझ गए। उस जो वॉल्यूम है पिछली कैंडल का, उसका 50% उसने वॉल्यूम लिया है, तब जाके ये बोल देते हैं इसको पियर्सिंग लाइन, ठीक है, पियर्सिंग पैटर्न, समझ गए ना। तो इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना ताकि आपका पैसा बचा रहे और ऊपर की जगह नीचे ना लगा दो, समझ गए ना। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कैंडल की तरफ जो कि इसके अपोजिट है, डार्क क्लाउड। ओके, सो दिस इज अ कैंडल हमारी डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। ओके, और ये भाई बहुत ही तगड़ा पैटर्न है, सिंपल उसके अपोजिट है, तो ये चीज़ याद रखना। देखो जैसा कि आप देख रहे हो जो हमारा प्रीवियस कैंडल है ग्रीन कैंडल, वो क्या है भाई, हमारा एक बुलिश कैंडल है, है ना। लेकिन जो हमारी नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुई वो क्या है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि रेड कैंडल बना लेकिन ग्रीन कैंडल के 50% उसने वॉल्यूम ले लिया ऊपर की ओर। आप देख सकते हो उसका ओपन हाई है उसके प्रीवियस कैंडल से ऊपर, देख रहे हो ना, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई ट्रेंड अप जाने वाला है, ये मत सोच लेना ट्रेंड अप जाने वाला है, ना 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 ना, ट्रेंड यहाँ से भाई, यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और यहाँ से मार्केट कंटिन्यू डाउन जाएगा, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू डाउन जाएगा जैसा कि आप देख सकते हो उसमें। तो सिंपल उसके अपोजिट है। ओके, सो अब इसको मैं आपको चार्ट पे डिफाइन करता हूँ, ठीक है। अभी आ गए हैं हम अपनी चार्ट पे और अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, जैसा कि आप देख रहे हो कि मार्केट यहाँ पे बिल्कुल अपवर्ड चल रहा है, बिल्कुल प्यारे तरीके से अपवर्ड चल रहा है ना, अच्छे तरीके से अपवर्ड चल रहा है। और यहाँ पे अपवर्ड के चलते चलते एक हमारा एक रेड कैंडल बना, आप जैसा कि देख रहे हो रेड कैंडल बना, लेकिन जो हमारा रेड कैंडल बना वो क्या है, हमारी प्रीवियस कैंडल के 50% उसने लेके ऊपर बना ना। तो यहाँ से आप क्या सोचोगे कि भाई मार्केट तो यार अच्छी बात है भाई, ट्रेंड ऊपर जा रहा है, ऊपर ही बना उसका कैंडल, लेकिन ना, यहाँ पे भाई ये बिल्कुल वाला, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और यहाँ पे अब मार्केट कंटिन्यू नीचे जाएगा, सच बता रहा हूँ, कंटिन्यू नीचे जाएगा। आप इसको अपने डेली लाइफ के उसमें देख सकते हो, मतलब अपने चार्ट खोल के देख सकते हो, प्रीवियस चार्ट देख सकते हो, आपको ऐसे ही दिखेगा। ओके, सो दिस इज अ डार्क क्लाउड कवर, ठीक है, इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर, क्योंकि ये पिछली कैंडल को भाई ढक लेता है पूरी तरीके से, मतलब जो हमारे वायर्स हैं भाई वो एक्टिव रहते हैं लेकिन उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है वहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हो, उनकी मतलब नामो निशान मिटा देता है और उसके बाद वो ट्रेंड को रिवर्सल कर देता है। सो आप यहाँ पे डायरेक्टली डाउन के लिए ट्रेड ले सकते हो, दिस इज आर डार्क क्लाउड कवर सेटअप, ठीक है। तो अब कई एक चीज़ और मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँ, कई लोगों को लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे कैंडल सारी सेम ही है, लेकिन नहीं भाई, कैंडल सारी सेम यहाँ पे नहीं है। सबका काम आप ये सोच रहे हो कि भाई रिवर्सल करना है, मार्केट को अप लेके जाना है, लेकिन नहीं भाई, यही तो है मार्केट में, शेयर मार्केट है और ये हमारा क्वेटेक्स वगैरह सब ये किस चीज़ पे चलता है, इसी पे तो चलता है, अप एंड डाउन पे ही तो चलता है। तो यही चीज़ को तो आपको अच्छी तरीके से समझना है, कब ऊपर जाता है, कब नीचे जाता है, क्योंकि हर तरीके से ऊपर नीचे जाता है, बस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से ऊपर जाएगा, कन्फर्मेशन आपको आनी चाहिए, समझ रहे हो ना। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट कैंडल पे और ये हमारी आखिरी कैंडल होगी, ताकि आपको अच्छे से पूरी तरीके से समझ में आ जाए। और मैं पहले बता दूं कि जो भी मैं बता रहा हूँ प्लीज़ उसको एक बार में ही ना जज करें, आप उसको 100 बार देखें, समझना है, वही व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा जो अच्छी तरीके से देखेगा, नोट्स बनाएगा, तभी वो इस मार्केट में कुछ कर पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएगा, सच बोल रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर पाएगा। ओके, सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कैंडल की तरफ।
बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कैंडल की तरफ। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल पैटर्न, क्योंकि भाई अगर इसको समझ गए ना तो ऑलमोस्ट आपके पास बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होंगे चार्ट को डिफाइन करने के और आपको ट्रेड लेने की, जो कि आप 1 से 1.5 लाख की ट्रेड भी ले सकते हो। ओके, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो कन्फर्मेशन आपकी बेस्ट रहेगी ना तो आप कितनी भी बड़ी ट्रेड ले सकते हो। ओके, सो वी आर टॉक अबाउट ट्विजर बॉटम एंड ट्विजर टॉप। ओके, इसको बिल्कुल समझना ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए पूरी तरीके से एंड बेसिक आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ओके, सो जैसा कि आप देख रहे हो ट्विजर बॉटम, ट्विजर बॉटम से आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई क्या है ट्विजर बॉटम। देखो ट्विजर मतलब पहले तो दो कैंडल, ठीक है, दो कैंडल, ट्विज का मतलब दो कैंडल, बॉटम का मतलब नीचे, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा जो कैंडल है, जो दो कैंडल है उनके जो बॉटम होने चाहिए वो बिल्कुल मतलब इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए, बिल्कुल नीचे से मिले होने चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई वॉल्यूम उसका ज़्यादा है या कम है, लेकिन अगर वॉल्यूम उसका मतलब अगर आपकी वो कैंडल मारुवुजू कैंडल हुई, ठीक है, तो आपकी कन्फर्मेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए, मतलब बहुत ही बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है। अगर वो नहीं भी है और उनकी शेडो और वीक निकली हुई है लेकिन वो बॉटम से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तो भाई तब भी वो आपकी कन्फर्मेशन है, लेकिन थोड़ा 99.9% है ना वो चांसेस यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, एंड ट्विजर बॉटम में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो बॉटम में भाई बनेगा, तो देखो सिंपल सी बात है, बॉटम में बना तो कौन सा पैटर्न हुआ पहले तो ये बताओ भाई, वो बुलिश पैटर्न हुआ भाई, बुलिश, ठीक है। तो उसका प्रीवियस कैंडल क्या होगा, रेड कैंडल होगा, एंड जो उसका नेक्स्ट कैंडल होगा वो ग्रीन कैंडल होगा, तो ग्रीन कैंडल से आपको कन्फर्मेशन मिलेगी, ठीक है। क्योंकि जो हमारा रेड कैंडल होगा वो तो आप बोलोगे कि भाई वो बेयरिश है, वो तो ऊपर बनेगा, नहीं ये नीचे बनेगा, ठीक है, और टॉप लाइन पे मतलब नीचे बॉटम लाइन पे बनेगा, समझ गए ना। और इसी के उल्टा जिसे हम बोलते हैं ट्विजर टॉप, ठीक है, वो ऊपर बनेगा, ठीक है। उसमें पहली कैंडल क्या होगी हमारी, ग्रीन कैंडल होगी, एंड दूसरी कैंडल क्या होगी हमारी, रेड कैंडल होगी, ठीक है। तो वहाँ से क्या है, मार्केट डाउन जाएगा, समझ गए ना। बस उनके जो बेस होते हैं ना, जो मतलब जैसे कि अपनी ऊपर एक आप मान लो रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल पे उनके शेडो मिला हो या फिर पूरा वीक मिला हो या फिर उनकी पूरी बॉडी मिली हो दोनों कैंडल की साथ में, समझ रहे ना, तो वहाँ से आपको कन्फर्मेशन मिलेगी कि मार्केट डाउन जाने वाला है, ठीक है। ऊपर कौन सी कैंडल होगी, बियरिश कैंडल होगी, ठीक है, नीचे कौन सी कैंडल होगी, बुलिश कैंडल होगी, समझ गए। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना है, अगर कन्फ्यूज़ हुए तो बेकार है, समझ गए। वॉल्यूम यहाँ मैटर नहीं करता है, बस आपके पॉइंट मिले होना चाहिए, अगर वीक निकली है तो वीक मिली होनी चाहिए, अगर वॉल्यूम निकला है तो वॉल्यूम मिला होना चाहिए, समझ गए ना। दिस इज़ अ ट्विजर टॉप एंड ट्विजर बॉटम। ओके, सो अभी हम इसको चार्ट पे डिफाइन करेंगे तो चार्ट में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो चलते हैं चार्ट पे। सो गाइस अभी आ गए हैं हम अपने चार्ट पे और यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यू ट्रेंड भाई डाउन चल रहा है, कंटिन्यू ट्रेंड डाउन चल रहा है, बिल्कुल तरीके से डाउन चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमारी नीचे आप देख सकते हो जो हमारा ट्विजर बॉटम है, क्या मैंने बोला था कि भाई कुछ भी सेम होना चाहिए उनके, या वॉल्यूम सेम हो या फिर उनका शेडो सेम हो, बस सेम होना चाहिए। सो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही वो उनके वॉल्यूम सेम हुए ना, क्या हुआ, जो हमारी बियरिश मतलब जो हमारा कंटिन्यू ट्रेंड डाउन चल रहा था, तो वो कौन सा डाउन चल रहा होगा, तो कौन सी कैंडल बन रही होगी, रेड कैंडल बन रही होगी। लेकिन रेड कैंडल के बाद कौन सा कैंडल बना होगा जो डाउन मतलब ट्रेड को ऊपर लेके जाएगा, वो होगा ग्रीन कैंडल। सो हमारे जैसे ही ग्रीन कैंडल बना, उसके ट्विजर बिल्कुल इक्वल हुए, बॉटम में बिल्कुल छिले हुए हैं, आप देख सकते हो, जैसे हम एक सपोर्ट लेवल भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है, मार्केट कंटिन्यू अब बट गया, गया ना, आपके सामने दिखा रहा हूँ जो कुछ भी है, ठीक है, सामने दिखा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझो, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आप इसको अपने पेन कॉपी पे ड्रॉ करके आप लिख सकते हो, अच्छी तरीके से रख सकते हो, और आप जहाँ भी ट्रेड करते हो वहाँ पे आप एक चिपका लो, और जरूरी नहीं है कि इतनी मेहनत करो, आपको इंटरनेट से ये चीज़ें मिल जाएंगी, सो वहाँ से भी आप निकाल सकते हो। एज इट इज़ सेम ऐसे ही क्या होगा, ट्विजर टॉप होगा, ये ट्विजर बॉटम है,
ठीक है। सो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हम इसका पार्ट 3 भी लेके आएंगे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखो, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 2 को डायरेक्टली मत देखिए, पार्ट 1 को कंप्लीट कीजिए, उसको समझिए अच्छी तरीके से, फिर पार्ट 2 पे आइए, ठीक है। पार्ट 2 कंप्लीट होने के बाद फिर आपको तीसरे पार्ट में बहुत मज़ा आएगा, ओके। और आई होप आपका बहुत अच्छे से बेसिक क्लियर हो रहा है, जाने अनजाने में भी आपका बेसिक क्लियर हो रहा है, क्योंकि मैं इतने ईजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि आपको ये मौखिक याद रहे, मतलब ओरल याद रहे। आप किसी को भी बता दो, आप कैंडल देख लो, तुरंत जैसे ही चार्ट खोलोगे आप तुरंत बोलोगे भाई ये तो ट्विजर टॉप है, अरे भाई ये बुलिश हरामी कैंडल है, अरे भाई ये तो स्पिनिंग टॉप है, ऐसे आप बता दोगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। क्योंकि देखो, बताने वाले हज़ारों हैं लेकिन समझ, मतलब जो आपको समझाना, वो हज़ारों नहीं है भाई, वो आपकी भाषा मैं ही जानता हूँ, क्योंकि भाई मैं उसी फील्ड से हूँ, उसी जगह से निकल के आया हूँ, ओके। और जैसा दिमाग आपका था वैसे ही दिमाग मेरा भी है, ठीक है, उसी टाइम का, तो मैं हर चीज़ को मतलब एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। आई होप आपको पूरी तरीके से सब समझ आ गया होगा, और प्लीज़ इसको इस तरीके से ना लें कि एक वीडियो फॉर्म में लेके आप इसको ख़त्म कर दें, ठीक है, आपको अच्छी तरीके से कंटिन्यू देखना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर प्लीज़ पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, मेरे को शेयरिंग की बहुत ज़रूरत है अभी, क्योंकि आई होप कि आप लोग थोड़ा कुछ अलग सीख रहे हो तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और भी लोग हैं जो आपके साथ हैं वो भी सीखें, ओके। तो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, पार्ट 3 में, और आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए।